हे गाइस, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ट्रिप एंड ट्रेल में। तो आज है हम कहाँ, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। निकल गए थे हमारे घर से और यहाँ हम पहुँचे 2 बजे। तो आई थिंक 6 आवर्स हमें लगे यहाँ पहुँचने के लिए। मैं अपनी कार से आई थी। और अगर आप कम पैसे में, कम बजट में आना चाहते हैं तो आप बाय बस या बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। अगर आप बाय बस आते हैं तो आपको 500 देना पड़ेगा। और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो स्लीपर के लिए आपको 250 पे करना पड़ेगा। और अगर आप एसी में आना चाहते हैं तो आपको 600 पे करना पड़ेगा। सो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आप जयपुर जयपुर तक कैसे आ सकते हैं। जयपुर में जो हमने होटल बुक किया है उसका नाम है पर्ल पैलेस हेरिटेज। और ये होटल हमने ऑनलाइन ही बुक किया था, तो मुझे थोड़ा शक था कि पता नहीं रियलिटी में ये होटल ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन सब गलत था क्योंकि रियलिटी में बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इसके तीनों फ्लोर देखे हैं। सो तीनों फ्लोर हैं जो अलग थीम पे बेस्ड है। नीचे वाला फ्लोर का अलग थीम है और थर्ड फ्लोर का अलग थीम है। बेसिकली मैंने जो रूम बुक किया है वो है सेकंड फ्लोर पे, तो मैं आपको सेकंड फ्लोर दिखा देती हूँ और फर्स्ट और थर्ड फ्लोर का मैं ट्राई करूँगी कि मुझे इसकी परमिशन मिल जाए तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड फ्लोर से। सेकेंड फ्लोर पर आप जैसे ही एंटर करते हो तो आपको एक बड़ा सा डाइनिंग रूम दिखता है। यहाँ आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, डिनर और लंच के लिए आई थिंक ये डाइनिंग रूम है। सो अगर इसकी खूबसूरती की बात करें, सो यहाँ जो पेंटिंग्स बनी हुई है मुझे ऐसा लगता है कि ये रास लीला को शो करती है। आई थिंक मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आई थिंक वो सेकेंड पेंटिंग भी उसी पर डिपेंड, उसी पर बेस्ड है। मतलब रास लीला में जो वृंदावन मथुरा में जो होता था उसी को पेंटिंग के रूप में शो किया गया है यहाँ पर। और जो ये कॉर्नर है, कॉर्नर पर ये बनाना ट्री बनाए गए हैं जो छत तक जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। सर गैलरी में आप जब एंटर करोगे तो आपको सबसे पहले खूबसूरत पेंटिंग दिखाई देगी। तो आई थिंक ये कोई किला है, उसको बनाया गया है पेंटिंग करके। और जब मैं थीम बेस की बात कर रही हूँ, जैसे आप अगर इसको देखो तो इसमें दरवाजे पे डोर पे लिखा हुआ है मधुबनी। मतलब इसका, इस रूम का जो थीम है वो मधुबनी थीम पे बेस्ड है ये रूम। तो बाहर से आपको पता चल जाता है कि राधा कृष्ण की मूर्ति बनाई गई है और इस पर लिखा हुआ भी है, लेकिन अंदर का मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन अगर कोशिश करूंगी अगर मैं आपको दिखा पाई तो। सेम इज अगर इस रूम को आप देखें तो इसका जो थीम है ख्वाबगाह थीम है। बाहर से अगर दरवाजे पे आप देखो तो मोर बने हुए हैं, दोनों हैंडल पे भी मोर्स हैं, मोर बने हुए हैं। अब अंदर का मुझे अंदाजा नहीं है कि अंदर इसको कैसे बनाया गया होगा, बट हमने जो रूम बुक किया हमारा रूम ये वाला है और उस पर लिखा हुआ है निर्माणा थीम।
तो ये निर्वाणा थीम पर आधारित है ये वाला जो रूम है हमारा। तो वैसे भी आप देखोगे तो यहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये निर्वाणा थीम पे ही आधारित है ये वाला रूम। चलिए अब मैं आपको अपना अंदर का रूम दिखा। पूरा रूम इसी थीम पे डेकोरेट किया गया है। अगर आप देखो तो यहाँ महात्मा गौतम बुद्ध बने हुए हैं, और इसका मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आया। एलिफेंट है, एलिफेंट के ऊपर मंकी है, मंकी के ऊपर रैबिट है, और वो शायद डव है या स्वान है। बट अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है कि इसका क्या मतलब है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद हम आते हैं इस पेंटिंग्स में। मुझे लगा ये फूड चेन होगा, लेकिन ये फूड चेन नहीं है, मे बी कोई सीन होगा जो इन्होंने बनाया है। और ये अगर आप इसको आप देखें तो लद्दाख अगर आप जाएंगे ना, तो इस थीम पे आपको ऐसे इतनी बिल्डिंग्स आपको ऐसी बनी हुई दिखेगी। कुछ ड्रैगन्स बने हुए हैं यहाँ पर, तो ये पूरा निर्वाणा थीम पे गौतम बुद्ध और लद्दाख की जो वहाँ के लेह लद्दाख की जो संस्कृति है, जो सभ्यता, उस पर डिपेंड है ये रूम हमारा। ये हमारा बेड है, उसके बाद ये हमारा वॉशरूम है, और ये भी बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, और बहुत साफ सुथरा है, और काफी बड़ा है। ये आप देखिए, एंड इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी बालकनी है। बिल्कुल राजा महाराजा जैसा एहसास है, जैसे जलों के में रानियां खड़ी रहती थी। मैं सुनाई थर्ड फ्लोर जो मुझे बेस्ट लगता है, मुझे लगता है कि मुगल सभ्यता को दर्शाता हुआ ये थर्ड फ्लोर है। मतलब जब मुगल रहा करते थे तो उनके जो महलों के डिज़ाइन हुआ करते थे वो कुछ इसी तरह से हुआ करते थे। जैसे आप अगर आप ताजमहल को देखो तो कुछ कुछ सिमिलर लगेगा आपको ये थर्ड फ्लोर देख के। जो ये फर्स्ट फ्लोर है वो इंडियन ट्रेडिशन को शो करता हुआ है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ हिंदू देवी देवता की कलाकृतियाँ बनाई गई है, जैसे कि गणेश जी हैं, और ये विष्णु जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, और ये अर्जुन, और ये कृष्ण भगवान। जो गीता का जो पाठ पढ़ाया था वो यहाँ पर उसको मूर्ति के रूप में बनाया गया है यहाँ पर। जैसे हम होटल में पहुँचे मैंने चाय पी, बट मुझे चाय में कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो इलायची वाली चाय थी और मैं प्रेफर करती हूँ जिंजर वाली चाय। सो मेरा मन है कि मैं बाहर जाके चाय पीऊँ और वहाँ का कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करूँ। और अगर मैं जाती हूँ तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी कि आप क्या क्या स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं, और डिनर भी हम बाहर ही प्लान करेंगे। ये जगह हमारे होटल से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसका नाम है स्पाइस कोर्ट रेस्टोरेंट।
सो यहाँ जयपुर का वन ऑफ द बेस्ट लाल मांस मिलता है, तो वही हम ट्राई करेंगे. और उसके साथ मैंने ऑर्डर किया है बटर तंदूरी रोटी, एंड उससे पहले हम ट्राई करेंगे चाय, तो देखते हैं. मच 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 लेटर. सो ये जो हमने चाय ऑर्डर की थी आ चुकी है. जब तक मैं चाय ख़त्म करती हूँ, जैसे ही हमारा लाल मांस आता है आपको दिखाएंगे. तो हमारा ऑर्डर आ चुका है. जैसे कि हमने लाल मांस ऑर्डर किया था, तो देखने में भी ये काफ़ी लाल लग रहा है. मुझे थोड़ा डर लग रहा है इसको टेस्ट करने में. और ये बटर तंदूरी रोटी है, मतलब देखने में काफ़ी स्पाइसी लग रहा है. खा के आपको बताते हैं कि कैसा है. सो फाइनली हमने अपना डिनर ख़त्म किया और हम अपने होटल आए. और जयपुर सफ़रनामा का हम स्टार्ट करेंगे कल से. तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में. बाय बाय. जयपुर में हमने जो होटल बुक किया है, इस होटल का नाम है पारु.